हाय एवरीवन, दिस इज प्रज्ञा आर्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी तक मैंने सिर्फ पोयम डाला है और आप लोग ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मैं कुछ सोच रही हूँ चैनल पे कुछ नया आए जो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव भी हो, थोड़ा इंटरटेनिंग भी हो, और पोयम तो मैं डालती ही रहूंगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 थिंग्स यू कैन डू इन क्वारंटाइन। DIYs आप YouTube पे देख सकते हैं, आप Instagram पे देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी अपना रिसेंटली वॉल पेंट किया था DIY देख करके YouTube पे, और ये पूरा प्रोसेस इतना रिलैक्सिंग होता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगेगा तो आपको भी DIY ट्राई करना चाहिए। और अगर आपके घर में वॉल पेंटिंग अलाउड नहीं है तो कुछ भी छोटा मोटा अपने तरफ से क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप को इंगेज रख सकते हैं। सो प्लीज़ आप सब भी ट्राई करिए। So writing not only include academic writing, you know, you have other forms of writing as well for your own purpose. So basically I'll suggest you all to start journaling. Journaling एक ऐसी चीज़ है जो जब से मैं शुरू की हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा खुद के ही करीब आ गई हूँ। सो इसमें भी एक तरीका होता है journaling करने का। Maybe you can make a mood calendar जिसमें आप बता सकते हैं कि आज मेरा mood अच्छा ऐसा था, आज ऐसा था, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ। इस process में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ऑलवेज एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। ये नहीं सिर्फ कि सिर्फ बुरे चीज लिख रहे कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये बुरा हुआ, इसने मुझे ये बोला, वो बोला। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। तो जर्नलिंग आई सजेस्ट कि आप सब करिए, क्योंकि ये क्वारंटाइन हम सबको ही बहुत अलग तरीके से इफेक्ट दे रहा है। तो अभी मैं हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज में खुद को इनरोल किया था। जैसे मैंने इंटर्नशाला पे किया था क्रिएटिव राइटिंग, और फिर और भी जगह पे कुछ कुछ कर रही थी मैं। तो आप भी इंटर्नशाला पे देख सकते हैं। अभी तो इस टाइम पे तो बहुत डिस्काउंट में आपको मिल रहा है कोई भी कोर्सेज, या फिर कोर्सेरा पे आप देख सकते हैं, आपको फ्री में भी मिल जाएगा कोर्स, और ये आपको बहुत ज़्यादा इंगेज रखेगा। सो आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यूट्यूबिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे करने से लगता है ना कि अच्छा मेरे अंदर ये है, मेरा ये टैलेंट है, मेरा ये टैलेंट नहीं है, मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, अच्छी नहीं हूँ। जैसे मैं अभी आपको यूट्यूबिंग करके दिखा रही हूँ, तो आई थिंक ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, सेल्फ ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा, और आपका क्वारंटाइन ऐसे भी अच्छा हो जाएगा। रीडिंग तो बहुत इसेंशियल है, बहुत माइंड को काम रखता है। तो मैंने कुछ कुछ साइट मेंशन किया, जैसे गूगल ई बुक्स हो गया, या फिर यहाँ पे जितने भी मेंशन है, ओपन लाइब्रेरी बहुत अच्छा है, फ्री में बुक्स मिल जाते हैं यहाँ पे। इस पूरे ड्यूरेशन में ये पैंडेमिक इतना ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, मेंटली हम इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो गए हैं कि मेडिटेशन बहुत अच्छा है। मैं मेडिटेशन रोज़ करती हूँ, सुबह में करती हूँ 15 मिनट्स, शाम में करती हूँ 15 मिनट्स। इसके बहुत सारे तरीके आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आप सब भी मेडिटेशन करिए, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट एक और चीज़ है कि मे बी एक दिन का कुछ घंटा हम दे र्यूमर्स या फिर मिथ्स को तोड़ने के लिए, घर से शुरू कर सकते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद बहुत अच्छा लगता है कि चलिए आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है।